आज हम आपको बेईमानी के पैसे की चमक और ईमानदारी के गिरते इंडेक्स के बारे में बताएंगे। 33 साल के एक भ्रष्ट अपराधी सुकेश चंद्रशेखर, जो हाई स्कूल का ड्रॉप आउट है, देखने में मामूली सा अपराधी दिखता है, उसने 37 साल की बॉलीवुड की एक बड़ी एक्टर जैकलिन फर्नांडिस से गहरी दोस्ती कर ली। इसके अलावा 3 और बॉलीवुड हीरोइंस पर उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेने के आरोप हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में लोगों की नैतिकता को क्या होता जा रहा है। जैकलिन फर्नांडिस से आज दिल्ली में ईडी ने फिर से पूछताछ की है और जानते हैं वो क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि सुकेश चंद्रशेखर महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनकर उनके साथ वीडियो कॉल पर बात करता था। उसके पास महंगे आईफोन्स थे, उसके पास आईपैड था और वो कहता था कि उसके पास सैकड़ों करोड़ रुपया है और जैकलिन इसलिए उनकी शिकार बन गई। उन्हें लगा कि ये बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, महंगे कपड़े पहनता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? जिन एक्टर्स को आप बड़ी स्क्रीन पर शानदार भूमिकाओं में देखते हैं, जिन हीरोइंस को देखकर हमारे देश के युवाओं को लगता है कि उनका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, वो जब बड़े स्क्रीन से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है। वो किसी अपराधी से भी दोस्ती कर सकती हैं या कर सकते हैं, बशर्ते कि उस अपराधी के पास पैसा हो। यानी बात वहीं आ जाती है कि हमारे समाज में अगर किसी के पास भ्रष्टाचार और अपराध से कमाया हुआ पैसा भी है तो भी वो किसी की भी दोस्ती जीत सकता है, किसी का भी दिल जीत सकता है। आज यही विश्लेषण हम आपके लिए करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि भारत की 83% कंपनियों को योग्य कर्मचारी नहीं मिल रहे। उनके पास नौकरियां हैं, पद हैं, लेकिन योग्य लोग नहीं मिल रहे। योग्यता की हमारे देश में कमी है, योग्यता का अकाल पड़ा हुआ है और काबिलियत का सूखा पड़ा हुआ है। बेरोजगारी के बारे में आप दिन रात सुनते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, लेकिन तब क्या कहेंगे जब बड़ी कंपनियां ये कहती हैं कि हमारे यहां रोजगार तो है लेकिन लोग नहीं मिल रहे। बेरोजगारी के दो पहलू हैं, एक लोग बहुत सारे हैं लेकिन नौकरियां नहीं है, और दूसरा नौकरियां तो हैं लेकिन योग्यता नहीं है। हमारे देश के युवा किसी भी नौकरी के लिए कितने योग्य हैं, आज इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण। बहुत सारे लोगों को चुभेगा, बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। और आखिर में हिंदी दिवस पर हिंदी को हृदय से लगाने वाला आपके लिए एक बहुत ही खास मीठा सा विश्लेषण आपकी भाषा हिंदी के बारे में। हिंदी हिंदुस्तान के डीएनए में बसी हुई है और मातृभाषा वो है जो आपके मन में उतर जाए। इसलिए आज आपसे यही कहेंगे कि आपकी जो भी मातृभाषा है, और अगर हिंदी है, आप में से ज़्यादातर लोगों की मातृभाषा हिंदी होगी क्योंकि हम हर रोज़ आपके साथ हम भी हिंदी में संवाद करते हैं, हिंदी को भूलिए मत। हिंदी आज भी आपके घर में, आपके मन में, किसी अंधेरे से कोने में कहीं पड़ी है, उसे वापस अपने जीवन में लाइए और अपनी इस मातृभाषा पर गर्व करना सीखिए। मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में, आज तक पर।